तो हॉलिडे मंथ ऑफ द ईयर इज हियर और बहुत सारे लोग जो है अपने ट्रिप्स प्लान कर रहे होंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अकेले, जैसे भी, क्योंकि इट्स हॉलिडे सीजन और नवंबर दिसंबर में आप अपने ही देश में, इंडिया में, कहाँ पर कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो. बिकॉज मैं इंडिया के बारे में इसलिए बात करूंगी क्योंकि आई रियली वॉन्ट कि जो भी टूरिज्म सफर हुआ है पिछले 2 सालों में बिकॉज ऑफ कोविड, तो अब थोड़ा सा सब कुछ बेटर होने के रास्ते पे है. तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और आप बहुत सारी कंट्रीज विजिट नहीं कर सकते हैं अभी भी, एंड एट द सेम टाइम आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने देश की इकोनॉमी को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करें और टूरिज्म सेक्टर का जो भी नुकसान हुआ है इन पिछले 2 सालों में उसको थोड़ा हम सपोर्ट करने की कोशिश करें. तो हमारे ही देश में इतनी सारी सुंदर जगह है, लाइक बीचेस से लेके माउंटेन से लेके स्नो ट्रैक से लेके नॉर्मल ट्रैक से लेके, मतलब क्या कुछ नहीं है यार, सब कुछ है, इतिहास है इतना इतना सारा, देखने को कितना कुछ है. तो क्यों ना हम अपनी ही कंट्री को एक्सप्लोर करें. और आज मैं आपको उन 10 जगहों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप ट्रैवल कर सकते हो नवंबर दिसंबर मंथ में, और इस टाइम पे इन जगहों को एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम होता है. हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो. और आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले 10 जगहें ऐसी जो कि आप नवंबर दिसंबर मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग भी बहुत सूटेबल है और इन जगहों को ट्रैवल करने का बेस्ट टाइम होता है और इन जगहों को एक्सप्लोर करने का ये बेस्ट टाइम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट द लाइटिंग, द नेचुरल लाइटिंग विच इज कमिंग इन माय. मैं हमेशा नेचुरल लाइट में ही शूट करती हूँ. आई डोंट हैव एनी स्टूडियो लाइट वाला सेटअप क्योंकि मैं इंडोर शूट्स बहुत कम करती हूँ, तो मेरे लिए वो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है. तो यस, आई मीन आई एम अ नेचुरल पर्सन. नहीं, ओके, चलिए शुरू करते हैं. बीच लवर के लिए पहले 2 डेस्टिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं. बीच लवर्स के लिए पहला तो ऑप्शन है गोवा, जो कि डेफिनेटली मोस्टली क्राउडेड होता है इन दिस पर्टिकुलर मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में जगह सुपर क्राउडेड होती है. तो अगर आप वो पर्सन है जिनको क्राउडेड जगहों से प्रॉब्लम नहीं है और आप या बीचेस इंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली के साथ फन करना चाहते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आपको आसपास दिखे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपके लिए गोवा इज द डेस्टिनेशन विच यू कैन गो. तो गोवा तो हो गया पहला डेस्टिनेशन. तो गोवा इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन इफ यू आर लुकिंग फॉर बीच वेकेशन. या वाह, क्या राइम किया है. अब बात करते हैं दूसरी प्लेस के बारे में जो कि इन दिनों कुछ ज्यादा ही टूरिस्टी प्लेसेस में आ चुकी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं नाउअडेज, विच इज पांडिचेरी, पुदुचेरी. लाइक उसके हिंदी में अगर लिखा होता है तो वही लिखा होता है. तो ये पांडिचेरी की बात करते हैं. तो पांडिचेरी जो है वो साउथ में आता है और वहां पहुंचने के लिए आपको बैंगलोर इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट. बैंगलोर से एयरपोर्ट से निकलते ही आप वहां से कैब ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, वट एवर सूट्स यू. तो वहां से आप पांडिचेरी पहुंच सकते हैं. 2 से 3 घंटे की ड्राइव है अगर आई एम नॉट रॉन्ग, या बिटवीन 2 to 3 hours ड्राइव. और जो ड्राइव है ना वो इतनी प्यारी है कि आपको एक साइड जो है ओशन और एक साइड पहाड़ों का व्यू आता है, लाइक इट्स ब्रेथ टेकिंग. आई एम नेवर बीन टू पांडिचेरी बट आई हैव सीन वीडियोस और मुझे पता है वो जो ड्राइव है बहुत सुंदर है. और अगर आप उस बीच में कहीं पर रुकना चाहते हो तो महाबलीपुरम करके एक जगह आती है, वहां पर रुक सकते हो. इट्स अ होली प्लेस. तो या आप पांडिचेरी भी ऑप्ट कर सकते हो. अब बात करते हैं प्लेस नंबर 3. तो अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक और थोड़ी सी ऐसी धार्मिक जगहों के शौकीन है और आपको वैसी कोई जगह एक्सप्लोर करनी है तो इंडियाज ओल्डेस्ट सिटी, यस, वाराणसी, हम सबको पता है. और अगर आप वहां नहीं गए तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि ये जो टाइम होता है ना वाराणसी में, वेदर काफी प्यारा होता है और घाट और सब कुछ इतना सुंदर लगता है. आपने देखी होंगी पिक्चर्स, कुछ मैं यहाँ पर भी डाल दूंगी. वैसे भी वाराणसी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत पुरानी सिटी है, तो वहां पे आपको पुराने खाने के फ्लेवर्स से लेके पुरानी गलियां, आर्किटेक्चर और बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलता है. तो 2 से 3 दिन का अगर आपको कहीं पर ट्रिप प्लान करना है, वाराणसी कैन बी अ ऑप्शन. इसी के साथ प्लेस नंबर 4, आई
आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू हम्पी, जो कि कर्नाटका में है, और हम्पी में भी ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक, कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं जो कि उसको बनाती है नॉर्मल टूरिस्टी प्लेसेस से कुछ डिफरेंट और ऑफ बीट ट्रेवल डेस्टिनेशन. पिछले कुछ 2-3 सालों में हम्पी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवलर्स की चॉइस हो चुका है. स्टिल आई हैवंट बीन देयर. अब मुझे साउथ के लिए ना एक पूरा का पूरा वो निकालना पड़ेगा कि यस, एक टाइम निकाल के मैं चाहती हूँ मैं साउथ अलग से एक्सप्लोर करके आऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया. मैं पहाड़ों से नीचे ही नहीं आ पाती यार, क्या करूँ मतलब. अब चलो चलते थोड़ा रेगिस्तान की तरफ. यस, आप समझ गए होंगे मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही प्यारा टाइम होता है राजस्थान के लिए भी. नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगी जैसलमेर को. अगेन आई हैवंट बीन टू जैसलमेर, बट ये मेरे बकेट लिस्ट में काफी टाइम से है, और हमेशा ये जो ना सीजन वाला लोचा आ जाता है, क्योंकि मैं विंटर्स में हमेशा पहाड़ों पे चली जाती हूँ और मैं नहीं जा पाती, और फिर गर्मियों में जैसलमेर जाना इट्स पेन, क्योंकि ऑब्वियसली सैंड ड्यून्स है वहां पे, और बिकॉज ऑफ रेगिस्तान ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा बुरी गर्मी पड़ती है वहां पर. तो दिस इज द टाइम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये परफेक्ट टाइम होता है जब आप वहां पर एक क्रिस्प प्यारी गुलाबी ठंड जो है वो एंजॉय कर सकते हो, और बहुत ही प्यारा टाइम होता है. न्यू ईयर के टाइम पे आप जा सकते हो. एंड राजस्थान की बात हो रही है, तो आई वॉन्ट टू इंक्लूड दिस प्लेस ऑल्सो फॉर योर हॉलीडे डेस्टिनेशन, विच इज उदयपुर, जो कि मैं इसी साल एक्सप्लोर करके आई हूँ. बहुत ही प्यारी सिटी है, और वहां पर हम किसी एक कैफे में गए थे दाल बाटी चूरमा खाने के लिए. तो उस लेडी ने रेकमेंड किया था कि आप उदयपुर जरूर कभी बरसातों में या तो सर्दी में आओ, क्योंकि उदयपुर बहुत प्यारा लगता है इन सीजंस में. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ड्यूरिंग विंटर्स उदयपुर कैन बी ऑल्सो योर ऑप्शन फॉर एक्सप्लोरेशन. चलो बात करते हैं प्लेस नंबर 7 की. तो अब हमारे बीचेस हो गए और ऐतिहासिक जगह भी हो गई, रेगिस्तान भी हो गया, मतलब राजस्थान भी हो गया. अब हम बात करते हैं पहाड़ों के बारे में. मतलब उसके बिना मैं कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ यार ये वीडियो. आपको पता है लाइक हाउ मच आई लव माउंटेन्स, एंड मुझे लगता है ना कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ. लाइक मेरा नाम है हिमानी, और हिमानी का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो हिम आनी, मतलब इन दोनों से बना हुआ है. हिम मतलब बर्फ, और आनी मतलब पानी. तो बर्फ वाला जो ग्लेशियर वाला जो पानी होता है ना, उसका मतलब होता है हिमानी. और मुझे इसलिए ही पता नहीं क्यों बचपन से इसका मतलब नहीं पता था, बट जब मुझे पता, जब मैं समझदार हुई और मुझे इसका मतलब पता चला, तब से ना आई बिलीव मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, एंड दैट्स माई ओरिजिन. मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आती है. तो या दैट्स दैट. अब बात करते प्लेस नंबर 7 की, तो जिसमें मैं रखना चाहती हूँ कल्पा को, जो कि आता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में. और अगर आपने मूवी देखी है हाईवे, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो रिकांगपियो में काफी थोड़ी शूट हुई है, और बहुत ही सुंदर प्यारा विलेज है कल्पा, जो कि रिकांगपियो से थोड़ा ऊपर आता है, 15-16 किलोमीटर ऊपर है. और वहां पर आप जो है अपने विंटर्स के कुछ 3-4 दिन स्पेंड कर सकते हो. इट्स अ ब्यूटिफुल विलेज, बहुत ही सुंदर गांव है, छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत ही सुंदर गांव है. तो अगर आप एकदम शांति प्रिय इंसान है और आपको लगता है कि आपको पहाड़ों पे किसी ऐसे गांव में जाकर कुछ दिन स्पेंड करने हैं, और बाहर मस्त हल्की हल्की बर्फबारी हो रही हो, अगर आपका लक रहा तो. वैसे कल्पा में मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर्स में स्नोफॉल होता है, और वो भी बड़ा स्लो मोशन स्नोफॉल होता है. तो अगर आप वो विटनेस करना चाहते हो ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कल्पा जरूर जाओ. अब पहाड़ों की बात चल रही है, तो आई वॉन्ट टू इंक्लूड इन नंबर 8 सिक्किम, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है. और सिक्किम, अगेन सिक्किम के बारे में मैं क्या बोलूँ, लाइक मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप जो कि मैंने शुरू किया जब से अकेले घूमना थोड़ा, तो दैट वॉज सिक्किम. और सिक्किम इज द प्लेस जहाँ से मैंने अपने सोलो ट्रैवल शुरू किया था. तो सिक्किम भी इस सीजन के लिए परफेक्ट है इफ़ यू आर प्लानिंग, लाइक आपको इस सीजन में जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्यारा, काफी अच्छा ठंडा चिली वेदर होता है. तो यू कैन प्लान सिक्किम, लाइक नॉर्थ सिक्किम आप प्लान कर सकते हो. सिक्किम भी बहुत बड़ा है, और आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप दोनों कवर कर सकते हो, बट नॉर्थ सिक्किम इज ब्यूटीफुल. अब बात करते हैं नंबर 9. तो नंबर 9 पे मैं रखना चाहती हूँ रण उत्सव कच्छ गुजरात को, जो कि इस टाइम पर ही होता है, साल में एक ही बार होता है रण उत्सव, वो भी होता है दिसंबर जनवरी में. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसी टाइम पे होता है. तो आपको अपनी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए, आप अगर रण उत्सव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं,
कच्छ का रण देखना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम, और दिस इज द लाइक ऑब्वियसली दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन विटनेस रण उत्सव. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय बर्थ प्लेस स्टेट. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था तब रायपुर जो है वो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था. अब जो है वो डिफरेंट स्टेट हो गया है, काफी साल हो गए इस बात को, बट दैट टाइम इट वॉज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. और मध्य प्रदेश इज द स्टेट विच यू कैन ऑल्सो travel to in this month, during this month, क्योंकि again weather nice अच्छा होता है. और वहाँ पर कुछ national park है like कान्हा national park और बांधवगढ़ national park and पेंच national park, तो tiger reserves है. और आप वहाँ जाकर जो है wild life के शौकीन हैं तो definitely आप यहाँ जा सकते हैं. at the same time आप wild life के शौकीन हैं तो there are a lot of national parks around India like Jim Corbett है उत्तराखंड में, और रणथंभौर है राजस्थान में, और ऐसे हर स्टेट में कई सारे नेशनल पार्क है. और आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो आपके लिए ऑप्शन है. बट मध्य प्रदेश मैंने इसलिए बोला क्योंकि दूर दूर से जब फॉरेन से भी लोग आते हैं तो वो कान्हा नेशनल पार्क आते हैं. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया, तो डेफिनेटली आपको ये चेक करना चाहिए इफ यू हैवंट बीन देयर. और आप अगर सराउंडिंग स्टेट में रहते हो लाइक आप महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा या आंध्रा इस तरफ रहते हो तो आपके लिए दिस विल बी nearest. तो yep, these were my recommendation. If you are planning your holiday during November, December, तो आप इन जगहों को चेकआउट कर सकते हैं. और कोई अगर आपको डिटेल जाननी है और आपको कुछ किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बताना है, या आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हो wanderlusthimani@gmail.com पे. मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी. स्मॉल टॉक्स के लिए वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टा आई डी इज wanderlust_himani. तो वहां अगर फॉलो नहीं करते हो तो वहां पे भी फॉलो करो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. आई एम सुपर एक्टिव ओवर देयर. तो लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये बोले बिना तो मैं वीडियो खत्म कर ही नहीं सकती हूँ. मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है यूट्यूबर्स का ये बोलना कि हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना बोलो तो आप लोग करते ही नहीं हो. हाँ, मतलब जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से कितने सारे लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई मीन नो, आई एम नॉट गेटिंग इट. तो प्लीज डू दैट. एंड विद दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ. और जाते जाते बस यही कहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये भी खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून. टिल देन टाटा, बाय बाय. नमस्ते.